Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, आज हम लोग करने जा रहे हैं बैटर स्टार में चैलेंज, but guys, आज हम लोग ये चैलेंज अकेले नहीं करने वाले, ये चैलेंज हम करेंगे SSG सौरभ भाई के साथ, जिसमें guys SSG भाई और मेरे बीच चैलेंज होगी किल्स को लेकर के, जिसमें हम लोग तीन मैच खेलेंगे और guys तीनों मैच में मिलाकर जिसने सबसे ज्यादा किल की है वो ये चैलेंज जीत जाएगा। और guys हमको इस चैलेंज कम्प्लीट करना है फेरोन जैक की स्किन के साथ। और guys अगर SSG सौरभ भाई और मेरे बीच में से कोई भी हारा तो उसको एक टास्क करना पड़ेगा और वो टास्क जीतने वाला प्लेयर देगा। तो guys बहुत ही ज्यादा मजा आना है चैलेंज में, तो चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके गाइस, यहां से हम लोग गेम में आ चुके हैं और मैंने फेरोन जैक की स्किन ले लिया है। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज हम लोग करेंगे SSG सौरभ भाई के साथ चैलेंज करेंगे बैटल स्टार में, और गाइस हम लोग को लेना है फेरोन जैक जो मैंने ले लिया। तो गाइस चलते हैं, सौरभ भाई को बुलाते हैं अपनी लॉबी में तेरी से। ओके गाइस, यहां से हम लोग SSG सौरभ भाई ऐड हो चुके हैं, तो यहां पे पहले अपना TDM रंबल मैच सिलेक्ट करते हैं। यहां पे ओशन मैप सिलेक्ट हो गया गलती से, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे TDN रंबल मैप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा किल मारेगा वो विजेता होगा, मैंने कहा है, लेकिन तीन मैच हम लोग खेलेंगे, ऐसा तीन मैच खेलेंगे तब जाके होगा। और यहाँ पे अपने साथ दो बंदे और आ चुके हैं अपनी टीम में, पता नहीं कौन कौन है, ये नहीं मेरे को पता है, अरुण है, इलेक्ट्रो है भाई यहाँ पे, लेकिन हमको सबसे ज्यादा किल करनी है। मेरे को ट्राई करना है कि सौरभ भाई से ज्यादा किल मार सकूं मैं। जो अपना फेरोन जैक है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्किन बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उसकी जो कर लो भाई स्किन बहुत ही ज्यादा कूल है। और अपने दो बंदे रुक चुके हैं, लेजर भाई है और नहीं लेजर भाई स्टार्ट हो चुके हैं, लेजर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे को अभी तक कोई प्लेयर नहीं दिखा, सौरभ भाई पता नहीं कहाँ पे है, सौरभ भाई शायद ऊपर की साइड है मैप में दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे दो बंदे आ चुके हैं, दो बंदों से मेरी भिड़ंत हो चुकी है। यहाँ पे एक पापी लेके आया है और एक वो है, वो पापी इलेक्ट्रो है और मेरे को इलेक्ट्रो ने ठोक दिया। पहले ही मेरी डेथ हो चुकी है, मेरे पास पांच लाइफ है, मेरे को ध्यान रखना है, पांच लाइफ मेरी जाइन। और यहाँ पे सुपर वेपन भी एक्टिवेट है, स्क्वाड ऑफ है भाई, शॉटगन टाइप की कोई एक वेपन है इसकी। मैं पहली बार, मैं ज्यादा खेलता नहीं हूँ वैसे जैक के साथ, तो ये भी है, लेकिन मेरे को भाई किल मारनी है। सौरभ भाई की एक किल हो चुकी है गाइस, मेरे को भी भाई किल चाहिए होगी। यहाँ पे एरोन भाई बंदों को मार रहे हैं, मैंने बॉम्ब डालने को इसकी नो स्कोप पे बॉम्ब पड़ चुका है। और यहाँ पे मैं शॉटगन से हमला कर रहा हूँ, लेकिन भाई नो स्कोप के पास भाई जूका है, और जूका भाई पहली किल मेरे को भी मिल चुकी है, लेकिन मेरे को सुपर माइक ने मार दिया है। मेरे भी यहाँ पे एक किल है, सौरभ भाई की भी एक किल है यार, यहाँ पे दोनों की एक किल है। लेकिन गाइस मेरे को किसी तरीके से दो किल करनी पड़ेंगी, क्योंकि गाइस जैक के साथ किल करना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख रहा है पापी, जिसने लिया है इलेक्ट्रो भाई का नाम है, इलेक्ट्रो 38-39 है, और इलेक्ट्रो 39 को मैंने मार दिया, दो किल मेरे पास हो चुकी है। वो भाई नेटवर्क की क्या दिक्कत होगी, लो भाई नेटवर्क की दिक्कत हो चुकी है। यहाँ पे इलेक्ट्रो भाई आ चुके, इलेक्ट्रो भाई को मैंने मार दिया। यहाँ पे हेक्टर है भाई, हेक्टर भाई को मैं निपटाऊंगा। यहाँ पे सुप्रीम माइक को भाई सौरभ भाई वाइटी ने निपटा दिया है, सौरभ भाई ने निपटा दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रो दिख रहा है, इलेक्ट्रो को मेरे को मारना है, इलेक्ट्रो को मैंने मार के तीन किल कर दिया, सौरभ भाई की भी तीन किल है। यहाँ पे अभी मैं हकूंगा, यहाँ पे चार किल हो चुके हैं गाइस, चार किल हो चुके हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे दो बंदे अटके हुए, तो मेरे को प्रॉफिट हो सकता है अगर मैंने मार दिया किसी को भी। यार यहाँ पे मेरी वेपन अटक गई थी, ओ भाई मेरी वेपन अटक गई थी, लेकिन यहाँ पे एक बंदे को निपटा दिया। यहाँ पे चार किल हो चुकी है मेरे पास, यहाँ पे नो स्कोप भाई को मैंने निपटाया भाई, पांच किल हो चुकी है। यहाँ पे सौरभ भाई के पास तीन किल है अभी, धवन भाई है, लेकिन सौरभ भाई ने उसको निपटा दिया है जो फ्यूचर टेक्नो के साथ था। और सौरभ भाई की यहाँ पे चार किलो, मेरी पांच किलो, बहुत ही ज्यादा नेक टू नेक चल रहा है भाई मैच। हम लोग का पहला मैच कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सौरभ भाई की चार किलो और मेरी है पांच किलो। तो देखते हैं गाइस सेकंड मैच में कौन जीतता है। ओके गाइस, यहाँ सेकंड मैच की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने सौरभ भाई को वापस से बुला लिया है, और इस बार हम लोग करेंगे TDM डेथ मैच में जाएंगे। अब देखते हैं गाइस सेकंड मैच में कौन सबसे ज्यादा किल मारता है, और हम लोग की यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे अपने साथ है, मैंने देखा नहीं कौन है, लेकिन एक दिव्या दिख रही थी मेरे को, और एक बंदा और दिख रहा था जो हेक्टर है, एपिक गेमर है। और यहाँ पे सौरभ भाई लग चुके हैं भाई बंदों को मारने में, लेकिन भाई यहाँ पे चार बंदों की एक साथ भड़ास हो चुकी है, सुप्रीम भाई ने मेरे को मार दिया। और यहाँ पे सौरभ भाई भी मर चुके हैं, लेकिन गाइस सौरभ भाई को पावरफुल वो मिल चुका है भाई बड़ा होने वाला। और यहाँ पे सौरभ भाई की शायद एक किलो हो चुकी है, सौरभ भाई की एक किलो हो चुकी है, और यहाँ पे मैं मर रहा हूँ भाई। करण भाई ने मेरे को मार दिया, यहाँ पे सौरभ भाई के पास एक किलो हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को भी एक किल मिल चुकी है, यहाँ पे एक और किल मेरे को मिल चुकी है, यहाँ पे एक और भाई है सुप्रीम भाई को भी मैंने मार दिया, तो यहाँ पे दो किल मेरे पास हो चुकी है। और यहाँ पे तुम्हारे नहीं यार नहीं निपटा यार, मेरे पास दो ही किल है, और सौरभ भाई के पास एक किल है, बस मैं एक पॉइंट अभी आगे चल रहा हूँ सौरभ भाई से। अनस गेमर था भाई, अनस गेमर को मैंने निपटाया, और यहाँ पे सुप्रीम आ चुका है, सुप्रीम को भी मैंने नहीं निपटाया इस बार, सुप्रीम को भी मैंने निपटाया। लेकिन यहाँ पे विशाल भाई है, विशाल को मैंने नहीं निपटाया, विशाल ने मेरे को निपटा दिया है। लेकिन गाइस सौरभ भाई भी सही खेले, उनके दो किले और मेरे तीन किले हैं अभी, लेकिन मैं एक पॉइंट आगे चल रहा हूँ सौरभ भाई से। और यहाँ पीछे एक बंदा है, अनस गेमर बोल सकते हो आप, बड़ा होने वाला पावर अप लिया था, और अनस भाई ने मेरे को मार दिया। क्रिस शिवा जो है भाई वो अटक चुका है, यहाँ पे अनस की लाइफ बहुत ज्यादा कम है, विशाल भाई की लाइफ कम थी, लेकिन मैंने विशाल भाई को मार के यहाँ पे चाल किक कर दी, और यहाँ पे लेकिन हम लोग यहाँ मैच हार जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किल मैटर कर दी, जो सबसे
सबसे ज्यादा किल मारेगा वो जीतेगा। लेकिन गाइस अभी हम लोग नेक टू नेक चल रहे हैं, बस मैं एक किल ज्यादा हूँ सौरभ भाई से। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगला मैच हार चुके हैं, लेकिन गाइस हम लोग ने यहाँ पे कड़ी टक्कर दी, क्योंकि गाइस अपोनेंट टीम में भाई रैंगो थे सारे, रैंगो और एक वो था, और अपनी टीम का जो क्रिस शिवा था वो खेल भी नहीं रहा था। लेकिन भाई सौरभ भाई ने 3 किल मार दी और मैंने 4 किल मारी है, जिससे गाइस सौरभ भाई के हो चुके हैं 7 किल और मेरे हो चुके हैं 9 किल, जिससे गाइस मैं सौरभ भाई से 2 पॉइंट अभी आगे चल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट मैच की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इस बार हम लोग करेंगे टीडीएम रंबल में मैच, और सौरभ भाई को अभी बुलाते हैं हम लोग तेजी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा और लास्ट मैच, जिसमें गाइस पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा, सौरभ भाई जीतेंगे कि मैं जीतता हूँ। ओके गाइस मैंने यहाँ पे सौरभ भाई को बुला दिया अपने लास्ट एंड फाइनल मैच के लिए। यहाँ पे सौरभ भाई के पास 7 किल है और मेरे पास है 9 किल, तो मैं 2 पॉइंट अभी आगे चल रहा हूँ। लेकिन भाई ये लास्ट मैच है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गाइस नेक टू नेक चल रहा है। अगर सौरभ भाई ने इसमें मेरे से ज्यादा किल कर दी, मतलब 2 पॉइंट और ज्यादा कर दिया और मैंने 0 किल की, तो यहाँ पे भाई मैं हार सकता हूँ और सौरभ भाई जीत सकते हैं। और यहाँ पे भाई राम भाई भी आ चुके हैं, डॉन आ चुका है, और यहाँ पे आरव भाई हैं। अपने आरव भाई के साथ मैंने 1-2 मैच खेला है, मेरे को जितना ध्यान है बहुत मस्त खेलते हैं, और ये अपने साथ हैं, लेकिन उन्हें भाई अभी ले रखा है। तो गाइस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। सौरभ भाई है कहाँ पे? सौरभ भाई यहाँ पे है भाई, 2 पॉइंट पीछे है, लेकिन 2 पॉइंट मैं आगे हूँ। लेकिन इस मैच में कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे डॉन आ चुका है, मैंने डॉन पे बॉम्ब डाला, और यहाँ पे मैं गोली मार रहा हूँ डॉन भाई को, बहुत सही टाइम पे लाइफ मिली है यहाँ पे भाई। एक बंदा उसको भी भाई मैंने नहीं मारा, यहाँ पे सौरभ भाई ने मार दिया। सौरभ भाई के पास 10 पॉइंट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास अभी 0 पॉइंट है गाइस। सौरभ भाई मेरे पास 1 पॉइंट पीछे है गाइस। अगर मैंने इस मैच में अगर किल नहीं की तो भाई मैं हार जाऊंगा। पीछे मेरे को एक जूका दिख रहा है, जूका को मेरे को निपटाना है। जूका मेरे भाई मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है भाई, मिसाइल ना मार, मर जा तू मेरा तो। और यहाँ पे मेरे को 1 किल मिल चुकी है गाइस, मेरे को 1 किल मिल चुकी है गाइस। तो यहाँ पे भाई 2 पॉइंट वापस से पीछे हो चुके हैं सौरभ भाई, लेकिन हम लोग अभी भी जीते नहीं है। मैं एक बॉम्ब पावर डाल के उसको भाई अपने शॉटगन से उड़ा दूंगा। यहाँ पे एक बंदा आ रहा है, उसके पास भी भाई फेरोन जैक है, लेकिन भाई उसके सामने जूका भी है। जूका डॉन यहाँ पे आदित्यनाथ गेमर है भाई। आदित्यनाथ गेमर को मेरे को निपटाने, यहाँ पे मेरे पास बॉम्ब है, बॉम्ब डालता हूँ। मैंने बॉम्ब बहुत सही जगह डाला है। यहाँ पे दिव्या मेरे हत्या चढ़ चुकी है, लेकिन दिव्या को निपटा दिया किसी और ने। तो यहाँ पे मेरे को लाइफ दिख रही है, मैं लाइफ ले लेता हूँ। यहाँ पे नीचे भाई इसकी शील्ड डीएक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पे मैं उसको मार के किल ले सकता हूँ। नहीं मिली मेरे को गाइस किल वो भी। और गाइस सौरभ भाई ने भी ज्यादा किल नहीं की है, यहाँ पे सौरभ भाई के पास सिर्फ 1 किल है और मेरे पास भी 1 ही किल है। और यहाँ पे मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, और यहाँ पे मेरे पास 2 किल एक्स्ट्रा हो चुकी है गाइस। मतलब 1 किल मैंने और मार दी। यहाँ पे राम भाई मेरे को दिख रहे हैं, राम भाई को अगर निपटा दिया यहाँ पे 3 किल हो जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे मैच एंड हो चुका है। ओके गाइस यहाँ पे मैच एंड हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं मैच में जीत चुका हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पहले मैच में थी 5 किल, दूसरे मैच में थी 4 किल और तीसरे मैच में मेरी 2 किल है। तो टोटल मिला के मेरी हो चुकी है 11 किल। लेकिन गाइस सौरभ भाई ने पहले मैच में की थी 4 किल, दूसरे मैच में की थी 3 किल और तीसरे मैच में की है 1 किल, जिसकी वजह से गाइस उनके हो गए 8 किल। तो गाइस अगला चैलेंज मैं जीत चुका हूँ फेरोन जैक के साथ। ओके गाइस यहाँ पे अपने साथ SSG सौरभ भाई भी आ चुके हैं, और सौरभ भाई को यहाँ पे मैंने हरा दिया है मेरे, क्योंकि 11 किल हो चुके हैं। सौरभ भाई की थी 8 किल, है ना सौरभ भाई? तो गाइस मैं सौरभ भाई को एक इन गेम टास्क दूंगा, और वो मैं टास्क सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पाटिल के साथ आपको क्या बोलते हैं मुंबई मैप में 5 किल करने हैं पाटिल के साथ। बिल्कुल कर लेंगे, पाटिल का मेरा लेवल कम है। अरे तो अपग्रेड कर लेना, कितना टाइम लग रहा है अपग्रेड करने में भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप अपग्रेड करके पार्टी के साथ मुंबई मैप में, जो अपना नया मुंबई मैप हो चुका है, जिसका नाम हो चुका है द ओशियन सिटी, तो ओशियन सिटी में आपको जा करके 5 किल करनी है, और वो अपनी वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड करनी है 5 किल करने के बाद। तो ये आपका चैलेंज है मेरी तरफ से, और जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं यूट्यूब में उनकी तरफ से। तो आपको ये टास्क कंप्लीट करके अपने चैनल पे डालना है, और अगर आपको भाई सौरभ भाई को सब्सक्राइब करना है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा, और वीडियो में लाइक करना मत भूलिएगा। तो सौरभ भाई आपको ये टास्क सही लगा या नहीं लगा? आपको काफी अच्छा लगा, और खास करके RSV भाई बहुत बढ़िया खेले, और जे कैरेक्टर उतना कोई खास नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छा अपना ट्रैक किए, और बीच में कुछ कुछ जो फ्रेंड जो अपने फ्रेंड में ही है वो लोग ज्वाइन हो गए, जिस वजह से मेरे को भी हारना पड़ा। लेकिन RSV भाई ने पूरा अच्छा किया, 11 किल किए और हम भी 8 किल किए हैं। तो चलो हम अभी तो हार चुके हैं, तो हमको यहाँ पे टास्क मंजूर है, तो हम ये टास्क पूरा कोशिश करेंगे अच्छे तरह से कंप्लीट करने का। तो आप RSV भाई को सपोर्ट ऐसे करते रहो, और साथ में सभी का वीडियो देखते रहो, बैटल स्टार्स को ऐसे ही ग्रो होना चाहिए। ओके भाई, थैंक यू भाई, और अब मिलते हैं भाई, क्योंकि अभी सौरभ भाई के साथ हम लोगों को एक और वीडियो करनी है, तो वो वीडियो आपको सौरभ भाई के चैनल में मिलेगी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अभी चलते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे आपको सौरभ भाई के चैनल पे, है कि नहीं सौरभ भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ओके गाइस यहाँ पे सौरभ भाई को तो मैंने चैलेंज दे दिया है, जो उनको चैलेंज करना है पाटिल के साथ 5 किल करनी है मुंबई मैप में। तो भाई पाटिल के साथ इतना इजी नहीं है 5 किल करना, क्योंकि गाइस पाटिल है क्लोज कॉम्बैट हीरो, जो भाई मुक्के से मारता है, बस उसकी सुपर वेपन अच्छी थोड़ा दूर से अटैक कर सकते हैं, लेकिन सुपर वेपन हमेशा एक्टिवेट नहीं रहती है। तो गाइस ये टास्क होने वाला है हार्ड, क्योंकि गाइस मुंबई मैप में एक ही लाइफ रहती है, और 5 किल करना पाटिल के साथ इतना इजी नहीं रहेगा सौरभ भाई के लिए। तो देखते हैं गाइस सौरभ भाई टास्क कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर गाइस
आपको जाना है कि सौरभ भाई ने पाटिल वाला चैलेंज कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तो जाके उनके चैनल में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके उनके चैनल में चेकआउट कर सकते हो। और गाइस अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, सौरभ भाई के चैनल के भी और मेरे चैनल की भी। और गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कोलैब कैसा लगा है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, लाइक एम रखते हैं गाइस 70 लाख, तो जाके 70 लाख कंप्लीट कर दो। तो मिलता हूं मैं आपको अगले गेम वीडियो के साथ और अगले चैलेंज के साथ। लव यू ऑल, थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।